आप लोग मुझसे अक्सर सवाल पूछते हैं कि होस्टिंग क्या होते हैं, क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर लोग ब्लॉगर के ऊपर अपने फ्री में वेबसाइट बनाते हैं, वहां से एडसेंस अप्रूवल लेना चाहते हैं, लेकिन ब्लॉगर के ऊपर होस्टिंग का कोई मामला नहीं है। तो होस्टिंग आखिरकार क्या है, जो आज के इस डिजिटल लाइफ में अपने काम को अंजाम देना चाहते हैं, वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वहां से एडसेंस अप्रूवल लेके पैसे कमाना चाहते हैं, उनके लिए होस्टिंग क्या है ये समझना बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आपको मैं बेसिक नॉलेज दूंगा होस्टिंग के बारे में, क्या होता हैं होस्टिंग, आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो को ध्यान से देखने के बाद आपको इस टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि मैं ना अपने 8 साल के यूट्यूब और ब्लॉगिंग एक्सपीरियंस जितना भी सीखा हुआ और जितना भी मैंने देखे हैं वो सारे के सारे चीज इस चैनल के ऊपर बताते हैं। मेक श्योर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे मोटिवेट करना ताकि इन फ्यूचर ऐसे कंटेंट मैं आपको दे पाऊं, क्योंकि इसका ये मोटिवेशन करके जो प्लेलिस्ट है और ब्लॉगर के A to Z वेबसाइट मेकिंग और यूट्यूबर के लिए, ये तीनों प्लेलिस्ट आपके लिए कुछ अनोखा ही होने वाले हैं। पर वीडियो एडिटिंग, फोटो एडिटिंग, एडसेंस के बारे में सारे तरीके की वीडियो हम आपके लिए देते हैं। ब्लॉगर के आपके लिए कमाल कमाल के टेम्पलेट भी ढूंढ कर निकालते हैं जो आपके सचमुच काम पे आए। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले आप लोग क्या करते हो। बेसिकली मैं खुद भी क्या करता हूँ, हम ब्लॉगर के ऊपर गूगल के ऊपर सर्च कर लेते हैं ब्लॉगर करके, और ब्लॉगर के ऊपर आके यहाँ पर हम अपने वेबसाइट को बनाते हैं। तो इस केस पर हमें कोई भी होस्टिंग की जरूरत नहीं होते हैं, हमें नेम सर्वर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, बस हम एक डोमेन खरीदते हैं, सी नेम के जरिए अपने डोमेन को कनेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ तक हमारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। तो होस्टिंग क्या है वो समझने से पहले आपको एक चीज समझना जरूरी है, वो है डोमेन क्या है। देखिए अक्सर सबको पता होता है डोमेन क्या है, अगर आप गूगल के ऊपर लिखोगे www.amazon.in या फिर amazon.com तो आपके सामने अगर ऐसे सर्च करते हो तो आपके सामने ढेरों वेबसाइट आ जाते हैं। तो बेसिकली आपको एक चीज समझना है, ये amazon.com amazon.in ये बस इनका नाम है। तो ये जो वेबसाइट है ये बेसिकली एक आईपी एड्रेस के जरिए से कनेक्ट होते हैं। अब देखिए 10.10.24.20.20.34. ऐसे अगर एक एक वेबसाइट का नाम हुआ तो हमें याद रखने में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएंगी। तो इसी वजह से उस आईपी एड्रेस का एक अल्टरनेट यहाँ पे नाम दी गई है ताकि यूजर्स जो हैं उनको समझने में आसानी हो जाए, उसे ही हम डोमेन या फिर URL कहते हैं। URL का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब आईपी एड्रेस के जरिए आप समझने लग जाओगी, याद रखना चाहते हो तो बहुत डिफिकल्ट है, इसी वजह से उसका URL बना दी गई है, एक डोमेन नेम दे दी गई है। अब चाहे वो आपके ब्लॉगर वेबसाइट हो या फिर चाहे वो आपके वर्डप्रेस या फिर कहीं पर भी आपने वेबसाइट बनाए हो तो वहां पर आपको एक डोमेन यानी URL की जरूरत होते हैं। ब्लॉगर के ऊपर आप अगर वेबसाइट बनाते हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट .blogspot.com के डोमेन गूगल आपको फ्री में देते हैं। वहीं पर अगर वर्डप्रेस की बात किया जाए, वहां पर आप अगर वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए जाते हो तो वहां पर आपको कस्टम डोमेन मतलब .in.com इसके साथ आपके वेबसाइट का नाम मतलब डोमेन नेम आपको कनेक्ट करने पड़ते हैं, उसके बाद वहां पे आप काम कर पाते हैं। तो चलिए ये आप डोमेन क्या है वो जान लिए हैं, अब समझते हैं होस्टिंग क्या है। बेसिकली अब जब ब्लॉगर के ऊपर अपने वेबसाइट को बनाते हो तो वहां पर इजीली तरीके से आप यहां पे पोस्ट बनाते हो, न्यू पोस्ट करके और पब्लिश करते रहते हो। तो उस केस पर हम यहां पर जितने भी पोस्ट लिखे हैं ये सारे के सारे पोस्ट हमने अपने कंप्यूटर के जरिए या फिर मोबाइल के जरिए लिखे हैं, और ये लिखने के बाद भी काम होता है। मानो आपने आज अपने कंप्यूटर से कोई भी पोस्ट लिखे हैं तो रात को आप तो अपने कंप्यूटर को बंद कर दोगे, तो जब आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दोगे तो कोई भी यूजर अगर गूगल के ऊपर आके आपके वेबसाइट को सर्च करेंगे तो आपके कंप्यूटर अगर बंद रहेंगे मतलब आपके वेबसाइट बंद रहेंगे तो वो यूजर अगर आपके साइट के ऊपर जाएंगे तो ऐसे तो आपके साइट नहीं खोलने वाला। तो इसी वजह से गूगल क्या करते हैं, अपने ब्लॉगर के लिए अलग सर्वर देते हैं, अलग होस्टिंग देते हैं, मतलब खुद का होस्टिंग देते हैं। और गूगल ये जो खुद का होस्टिंग है वो बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पर आपके ब्लॉगर के साथ वो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाते हैं, आपको कनेक्ट करने की कोई मैनुअली जरूरत नहीं होते हैं। इसी वजह से आप अपने कंप्यूटर या फिर मोबाइल के जरिए पोस्ट पब्लिश करते हो और वो 24 घंटे रन रहते हैं, 24 घंटे ऑन रहते हैं। गूगल का जो कंप्यूटर है वो सोता नहीं है। बेसिकली आपने समझ गए हैं कि आप जो पोस्ट बना रहे हो वो ऑटोमेटिक ऑल टाइम रन रहते हैं, ऑनलाइन रहते हैं। जब भी कोई यूजर उसको ढूंढते हैं, आपके वेबसाइट के ऊपर आते हैं, गूगल अपने सर्वर से उनके सामने वो पोस्ट लेकर रख देते हैं। आपके जितने भी डेटा है वो गूगल खुद स्टोर करते हैं अगर आप ब्लॉगर के ऊपर अपने वेबसाइट बनाते हैं। तो चलिए यहां तक आपने थोड़ा बहुत समझ ली होगी। आप बात करते हैं मेन होस्टिंग के बारे में। लोग सवाल करते हैं कि भाई होस्टिंग क्या होते हैं, होस्टिंग के मतलब होस्टिंग का मामला क्या है, कहते हैं कि कहीं से होस्टिंग ले लो। अब होस्टिंग समझते नहीं है तो लेंगे कहां से। अब यहां तक फ्री होस्टिंग की बात मैंने आपको बता दिया, गूगल आपको फ्री में होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। अब उसके साथ बात करते हैं थर्ड पार्टी की, जो मेन होस्टिंग होते हैं लोग जिसके बारे में बताते हैं। बेसिकली आज के तारीख में होस्टिंगर का नाम सबसे ज्यादा लोगों के सामने आते हैं और लोग जिसके बारे में ज्यादातर बात करते
करते हैं वो होस्टिंगर है। अगर मेरी रिकमेंडेशन मानोगे तो होस्टिंगर ब्लू होस्ट दोनों होस्टिंग काफी अच्छा है, इन दोनों को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। अब देखिए, मैंने आपको जैसे कि बताया, आप लोग क्या करते हो, ब्लॉगर के ऊपर अपने वेबसाइट को डिजाइन करते हो। ब्लॉगर देखिए, ये जो डैशबोर्ड आप लोग देख रहे हैं ना, न्यू पोस्ट करते हो यहाँ पर, तो ये जितने भी डैशबोर्ड आपके जितने भी ऑप्शन आ रहे हैं, ये सारे के सारे एक सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। इसे हम आसान भाषा में समझने के लिए CMS कहते हैं, जिसका मतलब होते हैं कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक काम समझना है, आपके वेबसाइट रन करने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होते हैं डोमेन, उसके बाद आपको चाहिए होते हैं एक सर्वर जहाँ पे आप अपने जितने भी पोस्ट लिखे हैं, आर्टिकल लिखे हैं, पिक्चर डाले हैं, यहाँ पर देखिए जितने भी पिक्चर हमने डाले हैं या फिर जितने भी वीडियोस हमने ऐड करते हैं, वो रखने की तो एक स्टोरेज होना चाहिए, मतलब मेमोरी होना चाहिए। तो बेसिकली वो मेमोरी जो प्रोवाइड करते हैं उसी को हम होस्टिंग कहते हैं। तो गूगल के केस पे गूगल वो आपको फ्री में देते हैं। अब इन सारे चीज हो जाएंगे तो आपको तो बनाना है, कहीं पर जाकर आपको तो डिजाइन करना है, लिखना है, तो जिसके ऊपर आप लोग काम करते हो उसे कहते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यानी CMS। अब देखिए, होस्टिंगर के मामले में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको एक डोमेन चूज करना है। अब देखिए, होस्टिंगर का बहुत सारा प्लान आते हैं, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक होस्टिंग लेना है, मतलब आप अपने वेबसाइट को कहाँ पे स्टोर करोगे, ऑल टाइम ऑनलाइन रहेंगे, ये सोते नहीं है, तो ऑल टाइम ऑनलाइन रखने के लिए ये जो आपकी होस्टिंग है, बेसिकली होस्टिंगर के पास से आपको किराए में लेना है, उनका ऑनलाइन कंप्यूटर या फिर ऑनलाइन स्टोरेज वो लोग आपको किराए पे दे रहे हैं, आप उसको इस्तेमाल करते हो, इस्तेमाल करके अपने पर्सनल चीजों को वहां पे स्टोर करते हो, और तब जाके कोई भी रात के 3 बजे भी गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो यहाँ पर से जो ये सर्वर के ऊपर आप जो अपलोड करके रखे हो वो गूगल के ऊपर आ जाते हैं, भले ही आपके डिवाइस ऑफलाइन रहे, मतलब आपके फोन कंप्यूटर ऑफलाइन रहे, लेकिन ये जो कंप्यूटर आप लोग किराए पे ले रहे हो ये ऑफलाइन नहीं रहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने दिखने के लिए मिल जाते हैं 200 GB का आपको स्टोरेज मिलते हैं, बेसिकली आमतौर पर इसे एक ऑनलाइन कंप्यूटर आप लोग कह सकते हो। तो यहाँ पर प्लान रहते हैं, देखिए यहाँ पर 100 वेबसाइट आप लोग डिजाइन कर सकते हो, बना सकते हो, 200 GB आपका NVMe स्टोरेज रहेंगे, मतलब मेमोरी रहेंगे, साथ ही साथ यहाँ पे फ्री में डोमेन देते हैं, एक डोमेन आपको फ्री में देंगे, तो आपको यहाँ पर पैसे लगते हैं, ये खरीदने के लिए पैसे लगते हैं। गूगल के जैसे ये आपको फ्री में नहीं देते हैं, क्योंकि ये अलग कंपनी है और गूगल अलग है, गूगल आपको फ्री में इन सारी चीजों को देते हैं। तो आपको पहली दफा एक होस्टिंग लेना है, उसके साथ आपको डोमेन को कनेक्ट करना है, डोमेन जैसे ही कनेक्ट कर लेते हो, अब डोमेन कनेक्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद इन चीजों को लेकर आप करोगे क्या, अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो सॉफ्टवेयर के लिए आपके पास वर्डप्रेस होना चाहिए, मतलब आपको CMS लेना जरूरी है। तो जब आप इन दोनों चीजों को ले लेते हो, मतलब होस्टिंग हो गए, डोमेन हो गए, अब आपके CMS की जरूरत है, तो आप उस किस पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हो, एंड वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद आप वहां पे अपने वेबसाइट को डिजाइन करते हो। तो वर्डप्रेस आपको वेबसाइट बनाने में, डिजाइन करने में, कैसे कैसे कहां पे क्या क्या डालोगे वो सारी चीज करने में मदद करते हैं। डोमेन आपका वेबसाइट का नाम होता है, ताकि यूजर जो है उनको याद रहे, उनको ढूंढने में आसानी हो जाए। और होस्टिंग जो है वो बेसिकली आप जितने भी चीज स्टोर करके रखते हो वो सारे चीजों को हर टाइम ऑनलाइन रखने के लिए आप दूसरे किसी कंपनी से, जैसे कि होस्टिंगर, गोडैडी, ब्लू होस्ट, ऐसे कंपनी से आप कंप्यूटर किराए पे लेते हो। उनके पास बहुत सर्वर होते हैं, जिन सर्वर से थोड़ी सी जगह आपको किराए पे देते हैं, ताकि आप अपने चीजों को वहां पे स्टोर कर सको। अब आज की तारीख में क्या होते हैं, ज्यादातर आपको 500-1000 रुपया के अंदर होस्टिंग दे देते हैं, लेकिन वहां पे क्या है, आपके चीजों को सिक्योरिटी नहीं मिलते हैं। तो उस केस पर ऐसे वेबसाइट जैसे कि होस्टिंगर हो गए, ब्लू होस्ट हो गए, इन बड़े बड़े वेबसाइट जो बहुत पुराने दिनों से लोगों की भरोसा जीतते आ रहे हैं, यहाँ पर स्टार रेटिंग देखकर आप लोगों को अंदाजा हो सकते हैं, उन सारे सर्वर्स के ऊपर अगर आप अपनी चीजों को स्टोर करके रखते हो तो उस केस पर आपको कोई भी मतलब टेंशन लेने वाली बात नहीं रहते हैं। क्योंकि देखो, वेबसाइट काफी तरीके की होते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट के ऊपर प्रोडक्ट सेल करने की भी ऑप्शन रहते हैं, जहां पर यूजर जो है अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स देते हैं, कुछ कुछ वेबसाइट के ऊपर लोकेशन डिटेल्स देते हैं, कुछ भी देते हैं। तो जब कोई यूजर आपके वेबसाइट के ऊपर आके ये सारे डिटेल्स दे रहे हैं, तो आपको उसकी जिम्मेदारी है कि उनके वो जो यूजर है उनके हर एक चीज सुरक्षित रहे। तो उस केस पर हमेशा से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको एक भरोसेमंद होस्टिंग सर्वर चूज करना है। अब होस्टिंग चूज करने के लिए बिगिनर के लिए यहाँ पर होस्टिंग के अंदर जैसे आओगे, वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, बहुत सारा होस्टिंग दिखने के लिए मिल जाएंगे। तो इन सारे चीज, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, ये बहुत हाई लेवल की बात है, यहाँ पर फॉर लार्ज स्केल प्रोजेक्ट, मतलब शुरुआती तौर पर कोई इतना तक नहीं जाते हैं। बेसिकली वेब होस्टिंग फॉर स्मॉल टू मीडियम वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक करते हैं, एंड यहाँ से देखिए मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूँ, 69 पर मंथ सिंगल वेबसाइट के लिए। यहाँ पर एक वेबसाइट डिजाइन होंगे, 50 GB का आपको स्टोरेज मिलेंगे, मतलब यहाँ पे आप 50 GB तक वीडियो, फोटो, अपने टेक्स्ट जो भी हो यहाँ पे सारे चीज अपलोड कर सकते हैं, जितने भी प्लगइन्स आते हैं। अब प्लगइन्स की बात करेंगे तो प्लगइन्स वो होते हैं,
प्लगिंग CMS के अंदर आते हैं। देखिए CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो यहाँ पे प्लगिंग्स क्या है, बेसिकली अगर आप न्यू पोस्ट के ऊपर क्लिक करोगे ब्लॉगर के ऊपर, तो यहाँ पे जितने भी टूल रहते हैं, ये देखिए ये एक टूल हो गया है, यहाँ पर आप लोग ये लिंकिंग कर सकते हो, ये एक टूल है, यहाँ पर आप लोग ऐसे पॉइंटिंग करते हो, ये एक टूल है, ये एक टूल है। तो ये सब एक एक टूल आपके ब्लॉगर के ऊपर फ्री में मिलते हैं, बहुत ही लिमिटेड एडिशन में मिलते हैं, बहुत ही कम है। लेकिन अगर आप वर्डप्रेस के अंदर जाओगे, वहां पे भर भर के टूल्स मिलेंगे, वहां पे प्लगिंग्स मिलेंगे, मतलब अलग अलग और भी सॉफ्टवेयर, एड ऑन सॉफ्टवेयर मिलेंगे, जिसको आप वर्डप्रेस के अंदर और भी ऐड करके अपने वेबसाइट के लुक को पूरी तरीके से बदल सकते हो। तो अगर मैं आपको एक अंदाजा देने लग जाऊं, बेसिकली जो भी शुरुआत करते हैं, जो भी शुरुआत करते हैं शुरुआती तौर पर, वो ये प्रीमियम वाला ये जो प्लान है, इसी को चूज करते हैं, और इसको चूज करने के लिए वो बेसिकली ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं आपको एक अंदाजा दे रहा हूं, यहां पर देखिए आपको 149 पर मंथ देने होंगे, 2 महीना फ्री रहेंगे, लेकिन इसका टर्म्स कंडीशन है। पहली बात तो ये है, जब आपके ये प्रियोड खत्म हो जाएंगे, चाहे वो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल के लिए आप पहली दफा ले रहे हो, उसके बाद जैसे वो साल खत्म हो जाएंगे, उसके बाद ना 249 पर मंथ आपको इन लोगों को किराया देना होगा, जो होस्टिंग यानी जो कंप्यूटर आप लोग किराए पे ले रहे हो। तो ऐड टू कार्ट के ऊपर जैसी गाइस आप लोग क्लिक कर देते हैं, यहाँ पर ना आपके सामने यहाँ पर दिखने के लिए मिल जाए कितना कुल मिलाकर ये बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार चार प्लान आपको दिखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखोगे 1 मंथ के लिए अगर आप लेते हो 649 आपसे ये चार्ज करेंगे, उसके बाद अगर आप लेते हो 12 महीने के लिए 239 लेंगे, 24 महीने के लिए 179 लेंगे, और 48 मंथ्स यानी 4 साल के लिए अगर आप लेंगे तो यहाँ पे 149 पर मंथ करके ये लेंगे। लेकिन पहली दफा ना 149 आपसे नहीं लेंगे, पूरा पैसा लेंगे 4 साल के। यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर कितना बन रहा है, 8,500 के आसपास मिल रहा है। ये बहुत महंगा होते हैं, इसी वजह से सब लोग ना इसको एफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कूपन कोड लगा के आप लगभग 1,000 का छुटकारा यहाँ पे ले सकते हो। तो अगर आप लोग बोलोगे तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, कैसे आप छुटकारा लोगे, कैसे आप होस्टिंग खरीदोगे। क्योंकि देखो भाई, अगर मैं आपको सच कहूँ तो ज्यादातर लोग जो है वो ब्लॉगर के ऊपर अपने जर्नी को शुरुआत करते हैं, और मैं भी इसको अप्रिशिएट करता हूँ, ये कोई गलत बात नहीं है। लेकिन ब्लॉगर के अंदर जहाँ पे आपको 6-7 महीना लग जाते हैं, वहीं पर अगर आप ऐसे वर्डप्रेस वगैरह के अंदर प्लगिंग इस्तेमाल करते हो, बहुत एडवांस लेवल की प्लगिंग आते हैं SEO करने के लिए, तो वहां पे आपको 8 महीने की जगह आपको लगभग 2-3 महीने में आपके वेबसाइट बहुत अच्छी तरीके से रैंक करने लग जाते हैं। मतलब आसान भाषा में अगर आपको कहूं, आप ब्लॉगर के अंदर अगर एक वेबसाइट डिजाइन करने में, पब्लिश करने में, रैंक करने में, एडसेंस अप्रूवल लेने में 100 में से 30% आपको बेनिफिट मिलते हैं, वहीं पर अगर आप वर्डप्रेस के अंदर ऐसे होस्टिंग लेकर वर्डप्रेस के अंदर अपने वेबसाइट को बनाते हो, तो वहां पर आपको 100 में 60% मिल जाते हैं, और बाकी आपके कंटेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो देखिए भाई, बेसिकली ऐसा होते हैं सीन, और इतना ज्यादा प्राइस है, देखिए 8,000 बहुत ज्यादा रकम होते हैं, उतना कम रकम नहीं है। तो 8,000 लगा के 4 साल के लिए अपने वेबसाइट को ऐसे बनाना, वो मुश्किल बात ही होते हैं, सबके लिए ये अफोर्डेबल नहीं होते हैं। तो बेसिकली मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो आपको इतना पैसे मतलब यहाँ पे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है, आप ब्लॉगर के ऊपर अपने काम कर सकते हो। अब देखो भाई, आप तय करके रखे हैं कि मुझे एक होस्टिंग लेना ही है, और मैं होस्टिंगर से होस्टिंग लेना चाहता हूँ। तो देखो भाई, मैं आपको जबरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि भाई होस्टिंगर ही सबसे अच्छा है, मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ होस्टिंगर और ब्लू होस्ट। मैंने जितना देखा है, इन दोनों के ऊपर से आप होस्टिंग ले सकते हो। ज्यादातर केस में लोग होस्टिंगर को इसलिए चूज करते हैं, इनका जो सिस्टम होते हैं बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही इजी होते हैं, और सबसे ज्यादा बात किया जाए तो लार्जेस्ट अमाउंट पे आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा होस्टिंग जो है लोग होस्टिंगर के ऊपर से ही लेते हैं। तो अगर आप तय करके रखे हो कि मुझे वर्डप्रेस के अंदर ही अपने वेबसाइट बनाना है, और सच कहूं तो अगर आप सीरियस हो मुझे लॉन्ग टाइम मतलब पूरी जिंदगी भर ब्लॉगिंग करके ही पैसा कमाना है, तो आप होस्टिंगर को चूज कर सकते हो। और वैसे भी अगर आप इस पेज पर आना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। और हाँ, मैं आपको कोई भी झूठ मूठ नहीं कहूंगा, वो हमारे एफिलिएट लिंक होगा, आप अगर उस लिंक पे क्लिक करके इस वेबसाइट के ऊपर से होस्टिंग खरीदेंगे तो आपको तो डिस्काउंट मिलेंगे ही, साथ ही साथ सच कहता हूँ हमें भी थोड़ा बहुत बेनिफिट होगा, हमें भी थोड़ा सा रेवेन्यू मिलेंगे। देखिए भाई, कुछ भी छुपाने वाली बात नहीं है, जितना भी सच्चाई है मैंने आपको बता दिया। अगर आप हमारे लिंक से खरीदेंगे तो आपको भी बेनिफिट होगा और हमें भी बेनिफिट होगा। वैसे भी अगर आप तय करके रखे हो कि आप खरीदोगे ही, तो किसी ना किसी का
तो लिंक आप लोग यूज करोगे क्योंकि आप भी डिस्काउंट चाहते हो, ताकि उस केस पर हमारे लिंक को यूज करना, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट कर देना। आपको वर्डप्रेस के अंदर आना ही चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास कुछ यूनिक लिखने की तरीका है, तो आप ब्लॉगर के ऊपर भी सक्सेस लेकर आ सकते हो। लेकिन ब्लॉगर के ऊपर आपको टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, ये मैं आपको पहले से ही कह देता हूँ। और सच कहूँ तो देखो यहाँ पर प्राइस कितना मिल रहा है, इसी वजह से ये अफोर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाते हैं। तो यहाँ तक आपकी बात समझ में आ गई है कि होस्टिंग आखिरकार क्या है। और होस्टिंग लेने के लिए अगर आप एक महीना लोगे तो बहुत बड़ी वो भूल होगी आपकी, क्योंकि 649 एक महीना के लिए दे रहे हो। वहां पर अगर आप सचमुच होस्टिंग लेना ही चाहते हो तो आप ये लास्ट वाला या फिर 24 महीने वाला लेना, ये थोड़ा सा आपसे सस्ता लेंगे। और ज्यादातर लोग जो यहाँ पे काम करते हैं वो बेसिकली 48 मंथ ही चूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा ही आपको डिस्काउंट मिल जाते हैं। और हाँ, एक चीज बताना जरूरी था, होस्टिंगर के अंदर ना आपको 30 डेज का मनी बैक गारंटी मिलता है। मतलब अगर आप सोच रहे हो होस्टिंग लेने के बाद कि भाई मुझे ये होस्टिंग नहीं चलाना है, मुझे ये पैसा वापस लेना है, तो इनसे कॉन्टेक्ट करके आप 30 डेज के अंदर अपने पैसे को रिफंड कर सकते हो। देखिए जितना मुझे याद आ रहा था सारे के सारे चीज मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी चीज के बारे में आपको जानकारी चाहिए कमेंट पे पूछिए, हम जरूर आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए भाई हर एक कमेंट का आंसर नहीं कर पाते क्योंकि हम भी अपना खुद का वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं, यूट्यूब के ऊपर काम करते हैं, हमारा और भी यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, यहाँ पर वीडियो बनाते हैं, तो उतना टाइम नहीं मिलते हैं। और इंस्टाग्राम के अंदर भी कभी कभार आप लोग सवाल करते हो, जितना हो सकते हैं मैं कोशिश करता हूँ आंसर करने की। अगर नहीं कर पाता हूँ तो बुरा मत मानना, मैं कमेंट देखता हूँ, उस टॉपिक को लेकर वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। और इस चैनल के ऊपर मैं अपने 8 साल के एक्सपीरियंस को शेयर करता हूँ, जितना भी मैंने यूट्यूब और ब्लॉगिंग जर्नी पे सीखा वो ही चीज बताता हूँ। बिगिनर के लिए ये चैनल एक तोहफा हो सकते हैं। मेक श्योर गाइस हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर ऐसे कंटेंट मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। पीसी गर्वर टीम कभी भी आपसे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन लाइक ओटीपी, मेल एड्रेस, बैंक डिटेल्स, फोन नंबर कुछ नहीं मांगते हैं। ऐसे चीज कभी भी हमारे वीडियो के कमेंट पे या फिर ईमेल पे मत डाला करिए।